is based on reflection बट कौन सा रिफ्लेक्शन रिपीटेड, मतलब अगर आपने बोला हेलो 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 ऐसा वो रिपीट करते जाता है, आपका ही आवाज आपको ही सुनाई देता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है, रिपीटेशन ऑफ साउंड ऐसा हम लोग बोलते हैं। ठीक, तो हम बोलते हैं कि मल्टीपल जब आप टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाते हैं वहां पर एको आपको देखने को मिलता है, एको स्पॉट्स वहां पर बना के रखते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने कुछ लाउडली जोर से चिल्लाया है ना एक डायरेक्शन में, तो वहां से ही आपको साउंड फिर से सुनाई देता है एंड उसी को हम बोलते हैं एको, है ना। कुछ कुछ जगह पे हमें मल्टीपल एको सुनाई देते हैं एक बार चिल्लाने के बाद भी, है ना, तो उसको हम मल्टीपल एको बोलेंगे। तो एक होता है एको जो एक बार सुनाई दे आपको, और दूसरा होता है मल्टीपल एको। ठीक है, तो ये दोनों चीजें एक ही पहलू के बारे में है ना, इसमें कोई अलग चीज नहीं है, एक ही कंसेप्ट पे वर्क करता है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है या एक ही रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अब इस चीज में हमको क्या डिस्कस किया, एको हमें सुनाई क्यों देता है। सपोज ये ऐसी एक वॉल है या फिर पहाड़ है, एक बड़ा रिफ्लेक्टिंग सर्फेस चाहिए होता है, यहां से आप चिल्ला रहे हो तो क्या होगा, साउंड वेव्स आगे बढ़ेंगी और यहां पे टकराएगी, और अब ये साउंड वेव्स वापस आने की बारी आ गई। तो अगर वापस आती है सो विल हियर हियर एन एको, तो एको जो सुना आपने बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से सुना। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते एक्चुअली, ये रिफ्लेक्ट किया पहला आपने आवाज सुना फिर दूसरा आपने आवाज सुना, तो ह्यूमन बींग्स कैन ओनली हियर थिंग्स इफ द डिफरेंस बिटवीन टू साउंड इज 1/10 seconds। 1/10 seconds मतलब मैं बात करो 0.1 second के बाद अगर आपको कोई दूसरा साउंड सुनाई दे तो हम दो साउंड्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर 0.1 second के पहले ही एक साउंड आया और उसके बाद 0.1 second के बाद ही कंटिन्यूसली दूसरा साउंड अगर आता है, सो विल नॉट बी एबल टू वर्ड डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू साउंड्स। तो इसीलिए हमको पता है कि ये साउंड गया किसी स्पीड से, आया किसी स्पीड से, है ना, और वहां पर कितने का होना चाहिए मिनिमम डिले, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, इसको हमें याद रखना है। तो आपको बोला गया है कि रिलेशन क्या है साउंड और टाइमिंग ऑफ हियरिंग, मतलब इको का, कि वेलोसिटी ऑफ साउंड तो फिक्स है इन अ पर्टिकुलर मीडियम, तो साउंड कितने बार गया और वापस आया, गया एक बार वापस आया, ये डिस्टेंस अगर डी है तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ डी, एक बार गया और एक बार आया, है ना, डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो आप इसी से निकाल सकते हो। तो मैं कितना मिनिमम डिस्टेंस चाहिए निकाल सकता हूं, तो कितना चाहिए मिनिमम डिस्टेंस, है ना, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 2D = V × T, तो D = V × T/2, तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 degree या फिर एट रूम टेम्परेचर इज 340, ठीक है ना, इंटू टाइम कितना दिया है हमें 1/10 seconds, और टाइम तो 10 ने 0 को मार दिया तो कितना हो जाएगा, टू बी एबल टू हियर एन एको मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड सोर्स ऑफ साउंड, यहां पे आप हो सोर्स ऑफ साउंड और यहां पर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिनिमम डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना चाहिए, 17 meters चाहिए, कितना चाहिए 17 meters, जस्ट बिकॉज अगर ये 17 मीटर से कम होगा आप कितना भी चिल्लाओ आपको एको नहीं सुनाई देगा, क्योंकि 0.1 सेकंड के पहले ही साउंड पहुंच जाएगा, इसका मीनिंग ऐसा होता है। ठीक है, समझ में आ रही है क्या आपको बात। ठीक है, सो वी विल नाउ राइट द कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन एको, क्योंकि ये तो हमने अब प्रैक्टिकल कंडीशंस देख लिए, पर इसको हम थ्योरेटिकली लिखेंगे। लिखो, हेडिंग दे दो, दैट इज
कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन इको। क्या है कंडीशन? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टिंग बॉडी शुड बी कितना? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। Should be 17 meters, 17 meters होना चाहिए, अभी हमने कैलकुलेट किया। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? वेवलेंथ ऑफ साउंड शुड बी लेस, साउंड शुड बी less than the height of the reflecting surface। मतलब अगर वेव लेंथ कम है तो छोटे रिफ्लेक्टिंग सर्फेस से भी हो जाएगा, लेकिन वेव लेंथ बड़ी है तो बड़ा रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि छोटी वेवलेंथ मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, और बड़ी वेवलेंथ मतलब उसको सरफेस बड़ा चाहिए रिफ्लेक्ट होके आने के लिए, है ना। द वेवलेंथ शुड बी लेस देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और वेवलेंथ अगर बड़ी है मतलब ऑब्जेक्ट से भी बड़ी है वेवलेंथ, तो वो क्या कर जाएगी? क्रॉस कर जाएगी उसको। ठीक है, तो अगर आपको वेवलेंथ का कंसेप्ट समझ में आया है तो ये आपको इजीली समझ जाएगा। तीसरा क्या है? आपको जोर से चिल्लाना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसा एकदम बारीक में चिल्लाओगे और एको बोलोगे कि एको ही नहीं आया, तो ये सही बात नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा? द इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी सफिशियंट, इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी सफिशियंट, है ना, सो दैट इट कैन बी हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन। ऐसा ही बोल सकते हैं, शुड बी सफिशियंट इंटेंसिटी से चिल्लाना है आपको, नहीं तो एकदम कम इंटेंसिटी से चिल्लाओगे तो रिफ्लेक्शन आएगा, पहुंचेगा भी नहीं आप तक, क्योंकि उसको जाकर वापस आना है, जाएगा टकराएगा सरफेस से और फिर वापस आएगा, तब जाके यहां पर जो सोर्स है उसको सुनाई देगा एको। तो जाना और आना मतलब दो बार डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसको। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिए। ठीक, चलो इसके बाद एक कंसेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज सोनार। क्या बोलते हैं इसको? सोनार, SONAR, सोनार। ये नहीं अपना जो सोना बेचता है, सोनार इज SO, कुछ एब्रीवेटेड फॉर्म में है, SO साउंड के लिए, साउंड, NA फॉर नेविगेशन, एंड आर की रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इज द कंसेप्ट, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एस सोनार। ठीक है, SO फॉर साउंड, NA फॉर नेविगेशन एंड R फॉर रेंजिंग। नेविगेशन, नेविगेशन के लिए यूज होता है, रेंज फाइंड करने के लिए ये होता है, क्योंकि हमारे जो शिप्स होते हैं जो समंदर में जाते हैं, राइट, उनको एक्सपीडिशन के लिए जाना पड़ता है। बहुत बार डीप ओशंस में हम कुछ सामान देखने के लिए जाते हैं, या फिर एनिमीज के सबमरीन्स होते हैं,
जैसे सपोज एनिमी की सबमरीन है यहां पे कहीं, ठीक है, और सबमरीन क्या होती है, वो जो पानी के एकदम नीचे से जाती है, सबमर्ज होके जाती है, इसलिए सबमरीन, ठीक है। सो दिस इज द सबमरीन, एनिमी सबमरीन। सो नाउ व्हाट विल हैपन, सोनार ऑल्सो वर्क्स ऑन द रिफ्लेक्शन वाला प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वाला प्रिंसिपल। साउंड वेव्स जहां पर नेविगेशन के लिए यूज करता है, नेविगेशन के लिए यूज करना मतलब हमारे चलने के लिए। तो अगर हमें देखना है कि एनिमी की शिप आ रही या नहीं, तो क्या हो जाएगा, जब एनिमी की शिप हमारे मतलब आजू बाजू में होगी तो क्या हो जाएगा, साउंड वेव्स आएंगी यहां पर और रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, राइट। तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो सोनार डिवाइस है उससे हमें यह पता चलेगा कि क्या हो रहा है, कि नीचे में कुछ सबमरीन है, या फिर अगर ये सी का बेड है, नीचे समंदर का एकदम आखिरी छोर है, तो क्या होगा, यहां पर हमें कुछ अगर मिलता है तो वहां से भी साउंड रिफ्लेक्ट करके वापस आएगा, जो भी हमारा ट्रांसमीटर रिसीवर होगा। यहाँ पे ट्रांसमीटर रिसीवर्स होते हैं बहुत सारे, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर्स, ठीक। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर क्या देख सकते हैं, इसके शिप के वजह से दूसरे शिप सबमरीन देख सकते हैं, आइसबर्ग्स। आइसबर्ग्स देखना जरूरी है क्योंकि देखो टाइटैनिक जैसा बड़ा सा जहाज आइसबर्ग के कारण डूब गया था, या फिर ओल्ड जो शिप डूब गई है वॉर में, ओल्ड शिप जो डूब चुकी है उसको हम देख सकते हैं सी बेड में, है ना। या फिर ओशियन या सी का डेप्थ मेजर करना है हमें, कि जाके रेस को कितना टाइम लगता है वापस आने में, जितना टाइम में आपने साउंड में उसको छोड़ा उससे वापस आने में कितना समय लगा। तो ये 2D डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर टाइम आपको पता ही होता है, आपके टाइमर, आपके टाइमर्स में टाइम दिखता है, तो उससे आप डेप्थ फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आ रही है बातें। तो आप इन सब चीजों को, सोनार, सोनार इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। फिर और एक एप्लीकेशन है, आपने देखा होगा जिसको मैंने एक इसमें दिखाया था, इट्स कॉल्ड एज इको लोकेशन। बैट, चमगादड़, है ना, वो क्या करते हैं, साउंड वेव्स एमिट करते हैं और वो साउंड रिफ्लेक्ट करके सरफेसेस से वापस आते हैं, और वो देख पाते हैं, इससे ही वो जज कर पाते हैं कि सामने ऑब्स्टेकल है या नहीं, ठीक है। तो जब भी आप, फिर आपको ऐसा समझ में आ रहा होगा कि चमगादड़ जब चिल्लाता है तो हमें सुनाई क्यों नहीं देता, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की रेंज के बाहर उसका वॉइस का फ्रीक्वेंसी होता है, 100 किलोहर्ट्ज के आसपास फ्रीक्वेंसी वो एमिट करता है। एक्चुअली बैट चिल्ला चिल्ला के जा रहा है हमारे आजू बाजू से, पर हमें सुनाई नहीं देता क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी ही बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है। समझ में आई क्या बात। तो जब भी आपको बैट्स या सोनार इसके बारे में देखिए, तो ये दीज आर ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। तो आप इनको यूटिलाइज कर सकते हो अपने लाइफ में, सो दैट बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपकी, ठीक है। समझ में आ रही है बात। चलो, तो आपकी बुक में पेज नंबर 11 पे एक क्वेश्चन दिया गया है सोनार रिलेटेड, ठीक है। आपको बोला गया है कि शिप सेंड्स ऑन हाई एंड हाई फ्रीक्वेंसी अ हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव एंड रिसीव्स एन एको आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द सी, डेप्थ ऑफ द सी निकालना है, एंड स्पीड ऑफ साउंड इन वॉटर इज गिवन, दैट इज 1500 मीटर पर सेकेंड। सो टू फाइंड व्हाट डेप्थ ऑफ द, डेप्थ ऑफ द सी, डेप्थ ऑफ सी निकालना है हमें, विच इज नथिंग बट डी। दूसरी चीज है कि हमने हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स छोड़ी, तो साउंड वेव्स थोड़ी है बताया, और एको
आपको सुनाई दिया, जब आपने साउंड वेव सुना उसके बाद 1 सेकंड बाद एक को सुनाई गया, तो टाइम हमारे पास है 1 सेकंड, और स्पीड ऑफ साउंड भी हमारे पास इन वाटर 1500 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द डेटा गिवन. सो नाउ वी डू अंडरस्टैंड क्या डेप्थ ऑफ द सी मतलब टोटल डिस्टेंस जो साउंड ने ट्रेवल किया इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू टाइम. तो टोटल डिस्टेंस जाकर वापस आने में 1 सेकंड लगता है इसको, तो 2D डिस्टेंस हो गया ये. वेलोसिटी कितना दिया हुआ 1500 इनटू टाइम कितना दिया 1 सेकंड, तो डी इज इक्वल टू व्हाट 1500 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 750 मीटर्स. तो डेप्थ ऑफ द ओशन कितना है, डेप्थ ऑफ ओशन इज व्हाट 750 मीटर्स. इतना है, 750 मीटर का डेप्थ है किसका, ओशन का. समझ में आ रही है बात. सो दिस इज व्हाट योर इको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का कंसेप्ट है. ठीक है, समझ में आ रही है बात. चलो इसको अच्छे से नोट कर लो.